दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व विधायक और पार्षद रह चुके आसिफ मोहम्मद खान पर एक बार फिर से पुलिस का शिकंजा कस गया है। इस बार आसिफ खान ने दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी की है। एमसीडी चुनाव के बीच शाहीन बाग में सभा के दौरान आसिफ खान ने ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर पर ना सिर्फ गालियां दी बल्कि उनके साथ धक्का मुक्की तक की। और बड़ी खबर है कि इस मामले में जो FIR दर्ज हुआ था उस पर पुलिस ने आसिफ खान को गिरफ्तार कर लिया है। आसिफ खान के साथ उनके दो और समर्थकों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ हो रही है। जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो में साफ नजर आता है कि किस तरह से पुलिस के साथ मैनहैंडल किया गया, यानी बदसलूकी की गई। पुलिस इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी करने वाला ये वीडियो वायरल हुआ है और इस वीडियो के सामने आने के बाद ही ये सारी कार्रवाई शुरू हुई है और समर्थकों की पहचान कर ली गई है। उन्हें पकड़ने के लिए भी दिल्ली पुलिस लगातार रेड डाल रही है। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। तो तस्वीरें हैं साफ, ये वीडियो है जिसके जरिए साफ हो जाता है किस तरह से पुलिस के साथ बदसलूकी की गई। उसके बाद मामला दर्ज हुआ, पुलिस ने आसिफ खान को गिरफ्तार किया गया। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उसके जो साथ जो दो साथी थे, जो समर्थक थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया। कुछ और लोगों की पहचान की गई है, उन्हें अब तलाशा जा रहा है। और साथ ही इलाके में कोई तनाव ना पैदा हो इसके लिए आप देख सकते हैं कि यहां पर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को भी यहां पर उतार दिया गया है ताकि माहौल वहां पर शांत बना रहे। दरअसल आसिफ खान अपनी बेटी अरिबा के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। आसिफ मोहम्मद खान की बेटी अरिबा कांग्रेस की टिकट पर एमसीडी का चुनाव लड़ रही हैं। आरोप है कि इसी इलाके में आपके उम्मीदवार वाजिद खान ने वोट के लिए जुमे की नमाज के बाद मौलाना को 50,000 रुपए दिए थे। वोट की अपील के बदले कैश देने पर हंगामा शुरू हो गया। आप उम्मीदवार ने 50,000 दिए तो आसिफ खान के समर्थक भड़क गए। लोगों ने इसी दौरान आसिफ खान को मस्जिद में बुला लिया। आप उम्मीदवार के खिलाफ आसिफ भीड़ जुटाकर उन्हें भला बुरा कहने लगे, बताने लगे कि कैसे विरोधी उम्मीदवार ने उनके साथ बदसलूकी की। चुनाव आयोग की इजाजत के बिना आसिफ खान जब तैयब मस्जिद के बाहर लोगों को संबोधित कर रहे थे तभी सब इंस्पेक्टर अक्षय वहां पहुंच गए। उन्होंने आसिफ खान को भीड़ इकट्ठा करके हंगामा करने से रोका। इसके बाद आसिफ खान भड़क उठे और उन्होंने धक्का मुक्की शुरू कर दी, गाली देना शुरू कर दिया। थाने गया वाजिद, जो बिहार का रहने वाला है, वाजिद ने इतना मारा फूलम खार कर दिया और थाने गया वाजिद और गुड्डू बिहारी कर करके मारा, मारो बिहारी को और वो बिचारे के खिलाफ आइए रुक जाइए सर, ऐसे अलाउ चल भाग दे गए जैसे मुस्लिम एरिया को लूट रहे हो, हम भी पटरी को क्या करोगे, दुकानों पे कब खुले की तुम करोगे, पहले 7 तारीख के बाद मैं सुधारूंगा। पहले अब आसिफ मोहम्मद खान कांग्रेस के पुराने नेता हैं। दिल्ली के ओखला से 2 बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक भी चुनाव जीत चुके हैं और इसी इलाके से आसिफ खान 2 बार पार्षद भी रह चुके हैं। इस बार उनकी बेटी अरिबा खान वार्ड संख्या 188 से पार्षद पद की उम्मीदवारी है। आसिफ खान अपनी बेटी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे लेकिन इस दौरान जिस तरह से उन्होंने पुलिस सब इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी की किसी भी तरह से उनको जायज नहीं ठहराया जा सकता और यही वजह की उनके ऊपर ये कार्रवाई हुई है। आसिफ खान इससे पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं। पिछले साल उनका एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो एमसीडी के कर्मचारियों के साथ मारपीट और बदसलूकी करते दिखे थे। आसिफ खान ने एमसीडी के कर्मचारियों को सड़क पर मुर्गा बनाया था, इस मामले में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। अब दिल्ली पुलिस के सिविल इंस्पेक्टर के साथ बदसलूकी के आरोप में कांग्रेस नेता आसिफ खान को सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। इस पूरे मामले पर आसिफ खान की बेटी अरिबा की सफाई भी सामने आई है।
गरीबा का कहना है कि पुलिस बजाय पैसे देकर वोट खरीदने वालों पर कार्रवाई करने के उनके पिता के साथ बदतमीजी कर रही थी। सुनिए इंडिया टीवी संवाददाता संजय शाह के साथ आसिफ खान की बेटी ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके ऊपर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ बदतमीजी करने का, मिसबिहेव करने का आरोप है। उनकी बेटी अरिबा खान जो कि चुनाव मैदान में है, उन्हीं की प्रचार के लिए वो सभा कर रहे थे जहां पर ये पूरी घटना हुई है। अरिबा हमारे साथ है, क्या हुआ कल और रात में कैसे पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? सबसे पहली बात, आपने कहा कि मेरे प्रचार के लिए वो वहां थे जहां ये घटना हुई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे कल तैयब मस्जिद पे, जब हमारे पास ये वहीं के लोगों के पब्लिक जो वहाँ के लोकल रेजिडेंट्स हैं उनका फोन आया कि यहाँ पे पैसा देके जो है वो वोट खरीदा जा रहा है, आप लोग फौरन यहाँ आइए और एक्शन लीजिए इस पे। जब हमारे वालिद साहब, क्योंकि मैं कहीं और थी कैंपेनिंग के लिए, हमारे वालिद साहब वहाँ पहुँचे और उन्होंने जाके फौरन वहां पे इस बात को मुद्दा उठाया, इस बात को हाईलाइट करा कि यहाँ पे इलेक्शंस के दौरान देखिए खुल्लम खुल्ला पैसा देके माइक पे वोट की अपील करी जा रही है कि इन साहब को हमने इतने पैसे दिए हैं, आप सब लोग झाड़ू को वोट दीजिएगा। वहीं के लोकल रेजिडेंट्स ने इस बात का हंगामा खड़ा करा कि ये क्या तरीका है वोट मांगने का। उस वक्त हमारे वालिद साहब वहां पहुंचे, उन्होंने इस पर एक्शन लेना चाहा, तो वहीं के जो वहां पे पुलिस पहुंची फौरन और उन्होंने जो जो इलेक्शंस के दौरान ये इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उस पर एक्शन लेने की बजाय वो हमारे वालिद साहब से बदतमीजी करने लगे। तो वहां पे फिर ये सिचुएशन क्रिएट हुई कि फिर जो भी आपसी में भैंसा भैंसी हुई और जो भी हुई, और फिर इन लोगों ने रात के करीबन 2:45 का वक्त था, हम लोग अकेले थे घर में, मैं मेरी वालिदा और वालिद साहब, हम लोग अकेले थे, पापा फ्रेश हो रहे थे, वॉशरूम में थे, मैं और मेरी अम्मा कमरे में थे, जिस वक्त पुलिस कम से कम 60-70 पुलिस हमारे घर में रात के 3 बजे घुसती चली आई है। ये आप देख सकते हैं ये जो हट बनी हुई है इसके ऊपर से कूद कूद कर आए हैं, दीवारें चढ़ के आए हैं कूद कूद के। उसके बाद इन्होंने अंदर आते आते यहाँ पे पहले बाहर का इन्होंने सामान तोड़ा, इन्होंने ये बात, इन्होंने सारे तो वो रास्ते ब्लॉक कर दिए थे, इधर कालिंदी गुंज तक पुलिस थी, उधर शाहीनबाग तक पुलिस थी, जो आ रहा था आने की कोशिश कर रहा था इधर, वो मैं आपको बताती हूँ अभी बाद में, पहले मैं आपको ये दिखाऊं। हमारे घर में घुसते ही पहले यहां से इन लोगों ने सामान तोड़ा, एक टेररिज करने की कोशिश करी कि सामान तोड़ो, एक आपको पता ही एक मेंटल हैरेसमेंट करने की कोशिश करी। उसके बाद यहाँ पे ये हमारे बेडरूम का डोर था जहाँ पे मैं और मेरी मदर अंदर थी और इन्होंने ये यहाँ से दरवाजा तोड़ा। ये डोर अंदर से लॉक था? जी ये लॉक था, और ये जो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ ग्लास था, ये पर्दा इतना खुला हुआ था, वो लोग अच्छी तरह देख पा रहे थे अंदर के रूम में सिर्फ मैं और मेरी मदर है। उसके बावजूद जो आदमी पुलिस था, मेल पुलिस वाले थे, उन्होंने दरवाजा तोड़ा और 20 से 25 पुलिस वाले हमारे कमरे में अंदर घुसते चले। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता भी जुड़ गए हैं, संजय शाह जुड़ गए हैं, अतुल भाटिया भी हमारे साथ है। संजय, जो आपने बात की थी अभी उनकी बेटी अरिबा से, वो तो साफ इनकार कर रही है, आखिरकार मसला क्या ये पूरा था और किस तरह से कानून तोड़ा है वहां पर आसिफ ने? ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी बिल्कुल, कानून का उल्लंघन तो जरूर हुआ है, चूंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, दिल्ली नगर निगम का चुनाव चल रहा है, उस दौरान अगर कहीं भी भीड़ एकत्रित होती है और कोई भी नेता उस भीड़ को संबोधित करता है तो उसके लिए परमिशन लेने की आवश्यकता है और ये लेनी चाहिए थी। इसी बात को लेकर जो सब इंस्पेक्टर है अक्षय ने इस बात का विरोध किया और उसने बताया कि भाई अगर एप्लीकेशन दिया आपने, परमिशन है चुनाव आयोग से, तो वो दिखा दिए। इसी के बाद विवाद बढ़ा, लेकिन इस विवाद के पीछे एक बार फिर आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले में एक्सपोज हुई है। किस जिस तरीके से पहले टिकट, कैश फॉर टिकट का मामला सामने आया, उसी तरह से अब कैश फॉर वोट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर यह पूरा विवाद खड़ा हुआ है। और इस मामले में आसिफ के 2 समर्थकों के साथ ने थाने में भी शिकायत दर्ज कराई है, शिकायत दिया है। फिलहाल ये देखना होगा कि आखिरकार कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार किया गया है, अब देखना है कि क्या कांग्रेस की ओर से इस पर कोई टिप्पणी आती है नहीं, या कोई बयान आता है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अतुल और संजय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।